हेलो नमस्कार। आज का टॉपिक इंस्पायर्ड बाय द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता जीजाबाई। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुना है, बहुत उनके बारे में बातें की है, और सच कहूँ तो उनके बारे में हम जितना भी बात करें, जितना भी उनको आदर सम्मान करें कम है। बट हम ये नहीं भूल सकते कि जिस औरत ने, जिस माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया, उनको डेवलप किया, मराठी मठात घडवले, वो थी जिजा माता। सो आज का निमोनिक है MATOSHRI, मातोश्री। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स, विथ लॉट ऑफ रेवरेंस, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू माई ओन मदर, एम मदरहुड, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक औरत के लिए एक बहुत सम्मान की बात होती है मातृत्व, माता बनना, आई होने। ये बहुत ही कहते ना कि जिंदगी में एक मकाम हासिल कर लिया, बट ऑफ कोर्स वहां पर माँ बनने के बाद उल्टा जिम्मेदारी शुरू होती है। माता बनना, आई बनने है एक आशीर्वाद है, वो एक ब्लेसिंग है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। लेकिन वो बनने के बाद उसको निभाना, अपने पेट से जो बच्चा पैदा हुआ है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, उसको सही तरीके से एक जिम्मेदार इंसान बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो आप में से जो भी लोग माताएं हैं, मैं आपको नमन करता हूं, और आप में से जो भी लोग एक माँ के बच्चे हैं, चाहे आप उम्र में मेरे जितने हो, 40-42 हो, या आप छोटे से नौजवान हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी मम्मी का रिस्पेक्ट करना कभी भी बंद ना करें। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, ऐसी मराठी में कहावत है। मतलब जो तीनों लोकों का अगर स्वामी है, किंग है, लॉर्ड है, लेकिन अगर उसकी माँ नहीं है तो वो एक भिखारी समान है। हियर मैं माफी चाहता हूँ अगर रिसेंटली किसी की माताजी चल बसी है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी है आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे और आप अपने लाइफ पे तरक्की करते रहे, जिससे उनकी आत्मा को सुकून मिले। द नेक्स्ट पॉइंट ए, ऑलवेज अवेलेबल। एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल होती है, चाहे फिर वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा हो जिसको अपना अपने खुद का सुसु पॉटी भी साफ करने नहीं आता है, वहाँ से लेकर के कोई बड़ा जिम्मेदार इंसान बनने के बाद भी माताजी हमेशा अवेलेबल होती है। माइकल जॉर्डन, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर, उनका जब हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन हुआ था, जो एक बहुत बड़ी बात है, उस वक्त उन्होंने अपनी माताजी के प्रति जो ग्रैटिट्यूड के शब्द कहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं आज भी 40 साल के ऊपर हो गया, फिर भी मेरी माँ मेरा लाइफ, मेरी जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वो आज भी मेरी गलतियाँ बताती है, और आज भी मैं अगर चूक गया तो वो मुझे अनुशासन करती है। इमेजिन। सो आप में से जिनको भी मम्मी जी के प्रति कुछ भी गुस्सा है, कभी मम्मी समझती नहीं है, डांटते रहती है, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो डांट के पीछे भी प्यार है। ओके, शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। ओके, और जब वो नहीं होंगी आपके साथ, तब भी उनकी यादें, उनकी टीचिंग्स, उनके उनके आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेंगे। देन टी, टीचर ऑफ टीचर्स। आज अगर मैं टीचर हूं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन अगर मेरी माँ ने मुझे सही तरीके से पाला पोसा नहीं होता तो मैं इस काबिल नहीं बन पाता। पहले मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना जरूरी था, एक अच्छा विद्यार्थी बना, उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, मेरे पिताजी मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़ाया, लेकिन बेसिक बातें जिंदगी की उस माँ ने ही सिखाई, जिनके बिना मैं अधूरा रहूंगा। सो ये मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी गुरुओं की अगर कोई गुरु है तो वो माँ है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और फिर गुरुदेव आते हैं, आचार्य देवो भव। द फर्स्ट गुरु इज मॉम ऑलवेज। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट ओ, ऑफर्स हेल्प। कभी भी देखो, माँ मदद करने को तैयार होती है हमेशा, शी इज ऑलवेज अवेलेबल, मैंने पहले ही बोला। बट आप किसी भी चीज से अगर उनकी मदद चाहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, मम्मी यूएस में, इंडिया में है, आपको वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार होती है। शी इज ऑलवेज देयर टू ऑफर हेल्प। बहुत सारे NRIs ने तो मम्मी जी को प्रॉपरली यूज किया है, वाइजली। जब भी उनकी फैमिली स्टार्ट हुई है, बराबर उस टाइम पे माता जी का वीजा आता है,
और माता जी वहां पर जाके अपना सब यहाँ का कारोबार छोड़कर वहां पर जाकर अपने बेटे को, बहू को, अपने बच्चे को संभालने में हेल्प करने के लिए जाती है। वहां पर भी सात समुंदर पार सारे संस्कार करती है वो अपने नाती पोतों पर। हैट्स ऑफ, शी ऑलवेज देयर टू ऑफर हेल्प। एस साउंडिंग बोर्ड, बहुत लोग अपने पिताजी से बात करने को एक एज के बाद, टिपिकल एज के बाद, यंग होने के बाद थोड़ा सा ऑड लगता है, बट मम्मी इज ऑलवेज अप्रोचेबल, शी इज अ साउंडिंग बोर्ड। ऑफिस में कुछ हुआ है वो आके मम्मी को सुना सकते हैं, मम्मी सुन लेगी। कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ हुई है, अपने स्पाउस के साथ झगड़ा हुआ है, माता जी है। कभी दोस्तों के साथ झगड़ा करके आ गए, मम्मी है जो संभालेगी। कभी कभी डांट भी देगी अगर आपकी गलती होगी तो। श्यामची आई, साने गुरु जी ने लिखा हुआ मराठी में का एक बहुत ही अजरामर एक ऐसी किताब है श्यामची आई। अगर उसका हिंदी में या इंग्लिश में अनुवाद अवेलेबल है तो जरूर पढ़िए। वेदर आप माता है, वेदर यूर अ मदर और यूर अ किड, श्यामची आई ये जरूर पढ़िए। उसमें बच्चे को अनुशासन करने के लिए वो किस तरह से स्ट्रिक्ट बिहेव करती है जब जरूरत हो। स्पेशली मुझे याद है हमारे स्कूल डेज में श्यामचे पोहने, शाम को बिल्कुल पानी में जाना नहीं होता, उसको तैरना नहीं होता है कुएं में जाके, और वो ऊपर जाके छिप जाता है और मम्मी जिस तरह से उसको खींच कर लिटरली लकड़ी से मार मार कर उसको तैरने के लिए भेजती है, और जब वापस आता है तब उसी के जख्मों पर मरहम लगाती है, तेल लगाती है, और अपने आँखों से उसके आंसू रुकते नहीं है, और वो अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा तू समझेगा कभी तो कि मैंने ये तेरे लिए क्यों किया। सो शी इज देयर एज अ साउंडिंग बोर्ड ऑलवेज। एंड द नेक्स्ट वन एच, हैप्पी फॉर हर किड्स, अपने बच्चों के सक्सेस में अपना सक्सेस। आप कभी खुद इतनी खुशी नहीं मना पाएंगे आपके एग्जाम के रिजल्ट का, या आपके जॉब के सक्सेस का, या आपके बिजनेस के सक्सेस का जितने आपकी मम्मी। गांव भर ढिंडोरा पिटा जाएगा, सारे रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे कि मेरा बेटा ये एग्जाम पास हुआ, मेरी बेटी ने इस जॉब में ऐसा ऐसा प्रमोशन पाया, मेरे बच्चों ने इस मकाम को हासिल किया। एंड अगर वो माँ अपने बहू के लिए, अपने दामाद के लिए भी अनबायास्ड वैसी ही खुशी मना सकती है तो उस माताजी को तो स्पेशल प्रणाम, स्पेशल सलाम। सो शी इज देयर हु इज हैप्पी टू सी अदर्स हैप्पी। इंडिया की बहुत सारी माताएं अभी भी होम मेकर्स है, वो अपने बच्चों के, अपने पति के सक्सेस में अपना सक्सेस मानती है, बट आजकल जितनी भी वर्किंग लेडीज है वो भी घर आने के बाद, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बट जब नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है तब, घर आने के बाद वो अपने घर के सारे ड्यूटीज निभाती है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। अगर फैमिली मेंबर्स खुद से जिम्मेदारी से हेल्प करते हैं शी विल बी मोर देन हैप्पी, नहीं करते तो वो खिटखिट नहीं करेगी, वो कंप्लेन नहीं करेगी, अपना काम परफेक्ट करेगी। दैट इज अ मदर। द नेक्स्ट वन आर, एंड दैट इज वाई शी इज रेवर्ड, रिस्पेक्टेड द वर्ल्ड ओवर। दुनिया भर में अगर एक चीज को मैंने, आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, एक बात तो पक्की है कि अम्मी, मदर, माँ, आई, अम्मा, ये वर्ड सुनते ही हमारे इमोशंस एक अलग ही तरीके से टच होते हैं। कोई भी मम्मी से रिलेटेड कोई गाना होगा, तारे जमीन पर का जो गाना है, मैं कभी दिखलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, ये माँ जिस तरह से वो शंकर महादेवन ने कहा है, कुछ तो टच होता है। या एआर रहमान ने वंदे मातरम जो उनके वर्जन में गाया था उसमें भी माँ तुझे सलाम, और नेक्स्ट लाइन है अम्मा तुझे सलाम। सो ही इज गिविंग रिस्पेक्ट टू हिज मदर एज मच एज द मदर लैंड। जितना वो भारत माता को सम्मानित करते हैं उतना ही अपने माँ को भी सम्मान पूर्वक देखते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, आई फॉर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। माँ का इंपॉर्टेंस कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। सारे कठिनाइयों को फेस करके, मुझे याद है मेरे पिताजी ने जब नया नया क्लास स्टार्ट किया था और फाइनेंशियली बहुत कठिन समय था, सेविंग्स नहीं थे ज्यादा, सब कुछ बेचकर आखिरी में कुछ अमाउंट कम पड़ रही थी, मेरी माताजी ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखवाया था। एक सुहाग की निशानी जो एक टिपिकल इंडियन औरत बिल्कुल उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, वो भी दाव पे लगा दिया था, उतना भरोसा था उसे अपने पति पर।
और एक बस काले दानों है ना, काले बीड्स का एक सिंपल सा एक नेकलेस, सस्ता सा, 25-50 रुपए का, वो पहनती थी 2-3 साल तक, जब तक पिताजी ने लोन रीपे करके मंगलसूत्र नहीं छुड़वाए। इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड, हैट्स ऑफ एंड फुल रिस्पेक्ट। अगेन, जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आज राजमाता जीजाबाई भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का आज जन्मदिवस है। उस अवसर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरी मम्मी जी को और दुनिया के सारी माताओं को तहे दिल से प्रणाम, सलाम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अविरत शेटे ब्रिंगिंग यू वन न्यू वीडियो एवरी डे। आज का निमोनिक था मातोश्री, MATOSHRI। जरूर इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करने को ना भूले। थैंक यू वेरी मच। अदियोस अमिगोस, शब्बा खैर।